Hello friends, this is Simran. Today we are going to see details of word. आज हम words में और भी बहुत सारे details check करते हैं, जैसे हमारे सबसे पहले notes में लिखा है title bar और address bar. हम लोगों ने word page तो open करना सीखा, word document से word file open करना तो सीखा. चलिए आगे हम और समझते हैं. आपको सबसे पहले टाइटल बार क्या होता है, एड्रेस बार क्या होता है, हम ये समझाएंगे. टाइटल बार या एड्रेस बार, उसके लिए लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स वन के नाम से लिखा है और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है. हम लोगों ने ओपन करते वक्त ही पढ़ा था ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013, तो ये वर्ड जो है वो माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है. तो जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा रहा है उसके पहले लिखा रहा है डॉक्यूमेंट्स वन, मीन्स ये क्या है आपका एड्रेस बार, ये आपके पेज का एड्रेस है. ठीक है, इस एड्रेस को हम कब चेंज कर सकते हैं, जब उस पेज को हम अपने नेम से सेव करेंगे या फिर उस फाइल को हम किसी भी नेम से सेव करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स का नेम चेंज हो जाएगा. तो आज हम ये चेक कर लेते हैं. उसके बाद बहुत सारे मेन्यू आ रहे हैं, उस मेन्यू के अंदर बहुत सारे टूल्स आ रहे हैं. तो पहले हम टाइटल बार देख लेते हैं, एड्रेस बार देख लेते हैं, उसमें बहुत सारे मेन्यू, उन मेन्यू के अंदर क्या टूल्स होंगे. तो एड्रेस बार के बाद जो हमारा है वो है मेन्यू बार. तो मेन्यू बार क्या है, देखिए ये कैप्चर किया हुआ है, मींस आपके वर्ड के पेज में, वर्ड फाइल में होम से लेकर के व्यू तक जो है वो मेन्यू है. बाय डिफॉल्ट ये जो है 8 मेन्यू अवेलेबल होते हैं आपके वर्ड फाइल पे, और जैसे जैसे हम काम करते हैं वो मेन्यू जो है वो एक्स्ट्रा आते जाते रहते हैं. बाय डिफॉल्ट 8 आपके पास अवेलेबल रहता है, 8 मेन्यू जो है वो प्रेजेंट है. तो ये जो है ये मेन्यू बार है, और इस मेन्यू पे सबके टूल्स अलग अलग है. आप जिस मेन्यू पे क्लिक कीजिए, जैसे आपको यहाँ पे होम जो है ये ब्लू कलर से दिख रहा है, मतलब ये क्लिक किया हुआ है और इसके अंदर ये जितने सारे टूल्स दिख रहे हैं ये होम मेन्यू के अंदर आते हैं. फिर जैसे आप मेन्यू चेंज कीजिएगा नीचे के टूल्स भी चेंज होंगे. आप इंसर्ट पे क्लिक कीजिए, ये टूल्स हट जाएंगे. आप डिजाइन पे क्लिक कीजिए, ये टूल्स हट जाएंगे. ठीक है, तो आप जिस मेन्यू पे क्लिक कीजिएगा उसके नीचे उसके ही टूल्स दिखेंगे. अभी जो हमारे पास दिख रहा है वो होम मेन्यू के टूल्स सारे दिख रहे हैं. और हम वर्ड पे क्या देख सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ज़ूमिंग पेज साइज, पेज का साइज क्या हो सकता है, उसे हम प्लस माइनस कैसे कर सकते हैं. ठीक है, तो मैक्सिमम ज़ूमिंग साइज जो है वो 500% है. आप जिस वर्ड पेज पे काम कर रहे हैं आप उसे मैक्सिमम 500% तक इंक्रीज करा सकते हैं, ये लास्टली है. और मिनिमम जो है वो 10% है. मिनिमम ज़ूमिंग ज़ूम आउट साइज जो है वो 10% है, मतलब एक जो वर्ड पेज पे आप काम कर रहे हैं उसे आप कम से कम 10 तो ज्यादा से ज्यादा 500% तक यूज कर सकते हैं. तो ये तो हमारी थ्योरी थी, एक छोटा सा नोट्स. आज हम चलते हैं टाइटल बार देखने के लिए, मेन्यू बार और ज़ूमिंग साइज देखने के लिए. तो ये रहा हमारा वर्ड. तो ये सबसे ऊपर ये जो आ रहा है ये है आपका टाइटल बार. ये टाइटल बार जैसे किसी भी बुक में या फिर डायरी में आपके सबसे ऊपर में जो टाइटल लिखा रहता है, बुक में लिखा रहता है चैप्टर का नेम, तो डायरी पे लिखा रहता है कौन से साल का है ना. तो ये आपका डॉक्यूमेंट्स वन, मतलब आपका पेज का एड्रेस या फिर टाइटल. देन इसके बाद ये आपके पास जो है ये है मेन्यू बार. मेन्यू में आपके होम है, इंसर्ट है, डिजाइन है, पेज लेआउट है. देखिए होम पे क्लिक है, ये नीचे जो आ रहे ये इसके सारे टूल्स है. जैसे हम दूसरे किसी मेन्यू पे क्लिक करते हैं नीचे सारे टूल्स चेंज हो गए. किसी और मेन्यू पे चलते हैं नीचे के सारे टूल्स चेंज हो रहे हैं. तो ये हमारा मेन्यू बार है, जिस मेन्यू पे हम क्लिक करते हैं उससे वो सारे टूल्स चेंज हो जाते हैं. और ये जो सबसे नीचे में आ रहा है ये हमारा टास्क बार है. आपके कंप्यूटर में जितनी टास्क चल रही है, आपने जितनी चीजें ओपन कर रखा है वो नीचे आपको टास्क बार में शो होता है. तो ये हमारा टाइटल बार, ये हमारा मेन्यू, मेन्यू के नीचे जो है ये आपके टूल्स, और टूल्स के नीचे आपके सबसे नीचे ये टास्क बार. और पेज का ज़ूमिंग साइज, मीन्स अभी ये वर्ड डॉक्यूमेंट्स तो इतना बड़ा है बट पेज जो है वो किस साइज में है, इसे हम कैसे चेक करते हैं. तो देखिए ये पेज जो है आपका वो 100% साइज में है, यहाँ पे ये शो कर रहा है 100%. आप जैसे प्लस पे क्लिक कीजिएगा ये साइज इंक्रीज कराएगा, और जैसे आप माइनस पे क्लिक कीजिएगा वो साइज डिक्रीज कराएगा. तो ये आप तब तक क्लिक कीजिए जब तक ये लास्टली पहुंच ना जाए. देखिए अब आपके क्लिक के बाद भी ये इंक्रीज नहीं कर रहा है, मीन्स आपके वर्ड पेज का मैक्सिमम ज़ूमिंग साइज क्या हुआ 500%. अब इसे हम और प्लस करा ही नहीं सकते, ये लास्ट लिमिटेशन है. इसे मिनिमम करना है, आप इससे
चेक कर सकते हैं मिनिमम कितना होगा, ये 10%। अब इसे और माइनस करना चाहिए, अब कोई काम नहीं होगा। तो ये आपके पेज का साइज है 10%, आपके वर्ड फाइल में आप पेज अपना मिनिमम रख सकते हैं 10% और मैक्सिमम 500%। अब आप इससे से मूव करा के आपको जितना बड़ा पेज चाहिए उतना आप यूज कर सकते हैं। तो ये आज हमने देखा पेज पे टूल्स, मेन्यू, टास्क बार। थैंक यू।